जी टी पी एल फाइबर कनेक्शन, टी पी लिंक राउटर। नमस्ते, मैं हूं अंकित और मेजर में आपका स्वागत है। सो अभी हमने नए घर पे जी टी पी एल का ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगवाया है एंड काफ़ी बढ़िया है इसकी सर्विस। एंड दूसरे कंपनी से आप कंपेयर करेंगे तो काफ़ी सस्ता पड़ता है। इसमें आपको ना ही डिपॉजिट देना पड़ता है, ना ही आपको राउटर के पैसे देने पड़ते हैं। इसमें सिर्फ आपको देना है तो सिर्फ आपको रिचार्ज के पैसे देने हैं, जो भी उसका रहता है रिचार्ज, मंथली रिचार्ज का पैसा वही आपको देना है। एंड काफ़ी बढ़िया है, फाइबर है, फाइबर ऑप्टिक है। एंड हमने करवाया है 3700 रुपीज़ में 6 मंथ के लिए। 50 Mbps का सर्विस लिया है एंड काफ़ी अच्छा चल रहा है। कभी कभी 60 Mbps तक भी चल जाती है स्पीड एंड अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। सो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप जी टी पी एल का कनेक्शन लें। अगर आप गुजरात में रहते हैं तो गुजरात में काफ़ी फेमस है ये जी टी पी एल ब्रांड का सर्विस। एंड मैंने वलसाड सिटी में करवाए हैं, अगर आप वलसाड सिटी में रहते हैं तो आप लगवा सकते हैं। एंड मैं जो भी उनका सर्विस का वो सर्विस प्रोवाइड करता है उसका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, सो आप वहाँ से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एंड बाकी आपको सब मैं इंस्टॉलेशन एंड स्पीड भी दिखाऊँगा कितनी आती है। एंड सो देखिए आप वीडियो आगे। जी टी पी एल कनेक्शन इज कमिंग। केबल वायर, फाइबर वायर। वहाँ पे पेटी लगाई है, कंस्ट्रक्शन हो रहा था तभी हमने निकाल लिया था कैट सिक्स केबल और यहाँ पे कनेक्शन किया है। कैट सिक्स में फाइबर कनेक्ट किया है, ये फाइबर की वायर है। यहाँ पे पूरा सभी नई सोसाइटी है इसकी वजह से सबसे पहले हमारे यहाँ ही आया है। ये सब पावर कनेक्ट पावर के केबल के साथ ही आए हैं। ये रहा फाइबर, यहाँ से पूरा वहाँ तक गया है। सो फाइनल जी टी पी एल का ब्रॉडबैंड कनेक्शन लग गया है एंड इसका सर्वर अहमदाबाद में है लेकिन हमारी सिटी है वलसाड। और यहाँ पे हम स्पीड चेक करके देखते हैं। मैंने करवाई थी 50 Mbps, 50 Mbps 3700 रुपीज़ में 6 मंथ के लिए। एंड दूसरे भी काफ़ी सारे प्लान आते हैं, मैं आपको स्क्रीन पे उस वो प्लान का जो भी है वो दे दूंगा, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। सो स्पीड चेक करते हैं। सो आप देख सकते हैं 50 Mbps से ज़्यादा ही जा रहा है, 51 तक गया था। तो 50 दे रहा है, आप देख सकते हैं, कभी कभी 60 तक भी जाता है ये। एंड अपलोड स्पीड तो आधी ही मिलती है, ये तो सभी को ही पता होगा। तो जितना बोला था उतना ही मिल रहा है, काफ़ी अच्छी सर्विस है जी टी पी एल वालों की। एक भी दिन अभी तक बंद नहीं हुआ है जब से लगाया है तब तक। और मैं ये स्पीड वो डोंगल आता है उससे चेक कर रहा हूँ, वो यहाँ पे छोटा वाला USB डोंगल लगता है उससे। अगर मैं इस लेंथ से ही डायरेक्ट कनेक्ट करूँगा तो ज़्यादा स्पीड आएगी एंड अच्छी स्पीड आएगी। ये फाइबर कनेक्शन है एंड जो मेन राउटर लगता है वो नीचे हॉल में लगा है, वहाँ तक ये मेरा फर्स्ट फ्लोर है और जो राउटर लगा है वो ग्राउंड फ्लोर पे लगा है। सो यहाँ ऊपर तक आ रहा है तो काफ़ी अच्छी बात है। 2.4 GHz का राउटर है, फिर भी अच्छी स्पीड आ रही है और रेंज भी काफ़ी अच्छी है। मैं आपको दिखाता हूँ राउटर, मेन राउटर कहाँ पर लगा है। वो यहाँ से नीचे जाते हैं, ये 2.4 GHz राउटर, डुअल चैनल, डुअल बैंड, नॉट डुअल चैनल। कैट सिक्स कनेक्शन